हमारे यहां पहले आता था, चले भेजा। मैं दोबारा नहीं कह रहा, उठे रहा। गज बज के मेरे नाम फतेह बुलाए जे। योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करे हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अपनी अपनी सोच है, हर बंदा अपनी सोच नाल गल करता है। मेरी ये सोच है, मैनू अकाल पुरख तो यह हुक्म मिलया है गुरु घर तो भी जाके कौम नू जगा। कौम जागदी किवें है? जब कौम अपना पिछोकड़ याद हो गया। अज मैं थोनू अपना पिछोकड़ याद कराउण आया। इहो देश है जिहड़ा पिछले 2000 साल तो गुलाम है। कदे गजनबी आ गया, कदे बाबर आ गया, हुमायूं आ गया, अकबर आ गया, जहांगीर आ गया, और मुगला ने बुलंदवाज गल सुनियो, भी हिंदू रोज कतल किया। उन्होंने जनेऊ ला के टोपिया बनाईया ने औरंगजेब ने बेच के रोटी खांदा सी। ऐसा जुलम आप दिल्ली जाने की गल करते, थोड़ी जी गल मैं और विस्तार में सुनियो जी। गुरु तेग बहादुर जी बैठे से, यह तो पता ही होगा ना नौजवान पीढ़ी में कि गुरु तेग बहादुर जी कौन से। और बैठे से सिंघासन पे, बड़ी लंबी सोच दे विच ते कश्मीरी पंडित आए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बाबा जी साडा धर्म खतरे च है, औरंगजेब साडे ते बहुत जुल्म कर रहा है। 20,000 हिंदू मारदा या मुसलमान बनाउंदा, जनेऊ लाउंदा, टोपियां सींदा, बेच के रोटी खांदा, सब नवाजी भी है। दसवें पातशाह 9 साल दे सी, कोल सपुत्र आया, उन्हें कहा, बापू जी की गल है गुरपिता, इन उदास इनी सोच क्यों बैठे? तो गुरु तेग बहादुर जी कह लगे, पुत्र जी इन्हों का धर्म बहुत खतरे च है, किसी ब्रह्म ज्ञानी नूं शहीदी देनी पवेगी। 9 साल के गुरु साहब आ सुन लिया जे, गुरु के लालो सिखी च जमे हुए मेरे वड वडेरे हो ते मेरे पुत्रो, आ सुन लिया जे, 9 साल का सपुत्र अपने पिता नूं की कह रहे? पिता जी थोतो वड्डा ब्रह्म ज्ञानी कौन हो सकता है? जाओ जाके ना धर्म बचाओ। आ जिहड़ी दिल्ली जाण दी आपां गल करदे आ ना, भी इन्हां ने बुलाया है, गलबात करनी है, गलबात करने वास्ते गुरु तेग बहादुर जी भी गए। वार्तालाप की होंगी है? कोई औरंगजेब बेवकूफ नहीं, बराबर बह गए भुंजे, उन्हें गल शुरू की थी। कहता, बाबा जी तुसी हिंदू नहीं, तुसी तिलक नहीं लाया, तुसी जंजू नहीं पाया, तुसी हिंदुआं की रक्षा वास्ते क्यों आए? गुरु साहब कहते, मैं किसी की रक्षा वास्ते नहीं आया, जबर ते जुल्म तू कर रहा प्यार ना, भावा तू सारे मुसलमान बना ला, मैनू कोई इतराज नहीं। औरंगजेब ने कहा, जी मैं इस करके सब नू मुसलमान बनाना चाहना कि धर्म पिछे लोग लड़ते हैं, इतने एको ही धर्म होना चाहिए। गुरु साहब कह लगे, नहीं ये गलत है, जे अकाल पुरख नू इह गल मंजूर होंगी पर सब दी शकल एक नहीं बना। जे अकाल पुरख ने गल मंजूर होंगी तो कायनात सारी एको जी होनी सी। उन्हें एक गुलदस्ता बनाया जिदे विच तरह तरह के फुल चंगे लगते हैं, इस करके तू गलत है। करते करते सवारा मुक गए, क्योंकि जब राजा गद्दी ते बैठा होवे ना ते हंकार होवे ते फिर उहनूं गल नहीं आउंदी। उह कहिंदा जी गल इह है, मैनू ही पता जे तुसी नाम मुसलमान बने असी तुहाडा मैं शीस ला देंगा। गुरु साहब हस पे, होना थोड़े नाल भी इदां ही है, जाए फिर दिल्ली करो गल इन्हां नाल ते देखो जवाब क्या जा टके सर मिलदा। यह मेरी गल नोट कर दिओ जी। गुरु साहब
ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਪਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ, ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ। ਯਾਰ ਹੈ, ਯਾਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਤਾ ਦੱਸੋ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ? ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਚ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰਾ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਜਨਰਲ ਜਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਿੱਬਤ ਕਿ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਪੱਟ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹ ਸਪੋਰੀਆ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਮਾਰੂ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੂ। ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਲੈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਮਰਾਉ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਚੌਥੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪੈਰਾਂ ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਦਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਹਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਚਿੰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕਰ ਮਾਨ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ MP ਬਣ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਦਲ ਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਫੁੱਫੜ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ CMC ਦੇ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਝੂਠ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਠ ਮੁੜੀ ਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ, ਗੱਲ ਨੀ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ, ਛੱਡ ਪਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਚੜਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ ਪਿਓ ਪੰਡਿਤ ਗਦਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਕਲੇਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ। ਮੈਂ 38 ਸਾਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ,
75 साल पहले मास्टर तारा सिंह का नाम सुनिया बजुर्गो सुनिए हाथ खड़े करो जे मास्टर तारा सिंह जिन्हों आप आगू बुला के भेजा ये ठीक है उत्थे जाके माउंटबेटन ने की किया असी 150 साल इस मुल्क दे राज कीता तारा सिंह अपना पंजाबी सूबा अड लै लै ये गल ठीक है बजुर्ग दसो गल ठीक है अपना पंजाबी सूबा अड लै लै ठीक है जी रात को पंडित जवाहर लाल नेहरू आउंदा है अपना तो नौ मास का रिश्ता है आपां ते एक मां दी ढिड चो पैदा होए आ ओदी गोदी च बैठा गल करदा मास्टर तारा सिंह पंजाबी सूबा लैना हरियाणे तो दिल्ली तो लैके हिमाचल साहब मिलता साइन कराया कट्ठे रहना हाँ दसो ये साडे वोट वधेरे की गल है फिर गल आ रही है इत्थे जद को 100 किले पैली 200 किले पैली 500 किले पैली बिल की पास होया ये जद को सिर्फ 18 किले पैली रहूगी ये सच है बजुर्गो सच है उदो की होया उदो क्यों ढेरी ढाली आप क्यों नहीं उदो उठे दसो मैं सवाल पूछना अपने वोट वधेरे जब 18 किले जत को रह गए सारी बाकी जमीन यूपी में मेरे बुजुर्गों को 24 एकड़ जमीन सी सारी जमीन चली गई छोटे सारी मिल जमीन चली गई रही खेती की गल जिन्हें कीला नहीं लाया उन्हें की पता कणक किवें बीजनी है और जिन्हें धान नहीं बीजे उन्हें की पता धान बीजने की तकलीफ की होती है आ गए जी पुलाव खा लो जी हाँ जी जरा पुलाव बनाइए तरह तरह के पुलाव बन रहे हो जरा धान बीजे जाता जट को पता किसान को पता है दर्द है वह महसूस होना चाहिए मेरी मां ने मैं पिछे एक बार पिट बन के परना 100-100 किला वाया मैनू पता है एक किसान का दर्द की है मेरी अक्सर हंजू आ जाते जब मैं गल कर दिया एक किसान तुम हाथ चला के देखो एक किला ला के अगले रहनम बैठे ने अगले कहने से लीडर इन्हें ट्रैक्टर से चला के कोई किला मैंने फसल बीज के दिखा उन्होंने पता लगे दर्द होता की है जब गिंदगी कहें जिम्मेदार कि कहते लेकिन दुख की गल यह है बंदा कदे भी पराए तो नहीं मरे जे मुगल सी तो पराए से जे अंग्रेज सी तो पराए से अज जिन्हों पिछे कुर्बानियां दीतिया है जिन्हों पिछे वध वढेरे चले गए जिन्हें मातावान ने अपने बच्चों के टुकड़े करा के अपने घर च पा लिया मैं पूछना चाहना उन्होंने बुजुर्गों वध वढेरिया कैसा बाप है तू कि तेरे बच्चे भुखे सौंदे है तेरे बच्चे को तन ते रोटी नहीं खाने मुंह च रोटी नहीं तन ते कपड़ा नहीं पैर च जुतियां नहीं तेन नींद किवें आउंदी है मैं बाप नहीं पूछना चाहना वो बाप रहनुमा हुंदा है सीएम होवे प्राइम मिनिस्टर होवे उहदे बच्चे ते भुखे सौंदे आ ते बाप नूं नींद नहीं आया करदी मैं समझदा लेकिन अज साडे विच वड्डियां किने पाईआं साडे लोकां ने पाईआं मैं नाम नहीं लैणा किसी का आ 5-6 दिन इक साडी बरादरी च इक बंदा है बकवास उहने बड़ी कीती है पर कोई नहीं जवाब मैं दूंगा क्योंकि मुद्दा उह नहीं है मुद्दा है तू क्या मैं गिरफ्तार मैं उसे जाके बिकता मैं देखे ने बिकते अहमद शाह अब्दाली 40-40 हजार जनानियां लजाके अहमद शाह अब्दाली ने बाजार टके टके सिर जनानियां बिक रही पहला ठीक है पता गल टके टके सिर बिक रही सी इतों के लीडर इतों जित गए दिल्ली के दरबार च टके टके सिर बिकते हैं बोली की लगती है मेरी देखी भी गल है सुनी भी मैं CWC की मीटिंग 10 बारी जिंदगी अटेंड की है 5 लाख 15 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ तेरी कीमत क्या है मुन्नू नाचिक उठे जाके पैरी पेंदे ने मत्थे टेकते ने रात को शराबा पीते ने
और गल पता की होती छड़ो परे मुद्दे की गल ही नहीं। जिस इंसान को बिकन की आदत पै जाए वह कौम का पता की करो। और गल चली सी बच्चों की, पंजाब च किन्ने इन्ने बंदे बैठे जिन्होंने अपने बच्चे बाहर सिट करते। पिछले 75 साल तो पंजाब के सारे बंदे कोई कनेडा अमरीका अभी भी तैयार हुए इंग्लैंड, जेड़ा बंदा अपना घर छे अपनी मां की पुकर छे उस मां लोग नंगिया कर दें उस घर के कबूतर वाले पाने के, याद रखे पंजाब नंगा असी किया तुसी किया ते जिहड़े बाहर गए उन्होंने किया। अज मैं पुछदा मेरी ललकार है सारे एमएलएयां नूं, जे जुरत आओ सारे कट्ठे हो गए आओ। मैं सारे फोन करते भाजी की चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा खून चाहिए, थोड़ा सिर चाहिए, वेला आ गया। याद रखियो बिल मिलो इन्हें बिल नहीं वापस लेना। ए भी औरंगजेब की औलाद ने आहूतियां देनिया पैनिया है, मरना पैना है। पंजाब की धरती से तुपका तुपका पंजाबियों का डरूगा फिर जाके जिंदगी दे विच इत्थे ठंड पैनी है। रब करे ऐसा मौका आवे, ऐसा मौका आवे। मैं बाबा जी के चरणों से अरदास करता सच्चे पातशाह महाराज मेरी जिंदगी ऐसी लिखी, ऐसी जिंदगी मेरी लिखी अकाल पुरख के मैं पंजाब के एक एक जी के पैरों में मेरे खून का कतरा गिरे तो मेरी धौल बढ़ गए पंजाब के पीड़ियों के पैरों से गिरे। इस तरह मैं समझूंगा मैं पंजाब वास्ते कुछ किया। ना मैं लीडर, ना मैं टिकट चाहिए, ना मैं किसी पार्टी को जानना। मैं सिर्फ काला साहब गया सी, बाबा दर्शन सिंह जी बैठे सी, मैं कहा महाराज बहुत होगी हो, बहुत कर लिया, बहुत दुनियादारी देख ली, अपने देख ले, बच्चे देख ले, परिवार देख लिया, सब झूठ, झूठो झूठ है, कुछ नहीं। मैं कहा मेरी तमन्ना है बाबा जी मेरी मौत हो मेरी देह को काला साहब लिया के पांच सिंह दाग ला दे, उन्हें घुट के मैंने जफ्फी पा ली। उदो अंदोलन की कोई गल नहीं चली। हम कह लगे बेटा अजे गुरु घर चो ते तो बहुत सेवावां लैनी, अजे तू पिछड़े नूं जोड़ना, इहो जी गल नहीं करनी। मैं कहा पर बाबा जी एक गल जरूर दिओ, वर दिओ, जे गल बहुत वध गई रब कहे ठीक हो जाए, मेरे किसानों का हक, मेरे वड्डियां नूं भैण भरावां नूं मेरी धीआं भैणां नूं मिल जाए, शायद मैं नींद आ जाऊंगी। पर जे कदे कदे शहीदी ते गल मुकनी है तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने किसानों लिए पंजाब की धरती मां लिए पहला शहीद कहावा मेरा भी सिर वटक थिया हो। मजा नहीं जिंदगी का, कोई मजा नहीं। और एक होर सुन लो, जिधर गोलियां चलिया गलां तो बहुत करते सारे, ये हो उधर भजे उन्होंने, जेड़ा भजे उन्होंने अपनी जमी मां की कसम, जेड़ा भजे मां पंजाब की कसम। आतिया भैं बैठी थोनू कसम है एक चकोरी खावे, तू एक बार पढ़ के तो देख मेरा तेन चैलेंज अच्छा आ दसी, तेन दसी पंजाब है कि पंजाब होना की है। याद रखे मैं डर कह के चले फकीर आदमी, मैं किसी चीज की लोड़ नहीं, थोड़ा प्यार चाहिए, तुम मैं बेनतहा प्यार दिता, इनी अरदास है मेरी। कट्ठे होकर रहो, बड़िया ने आना है, बड़िया ने झूठ बोलना है, बड़े थोड़ा तोड़न की कोशिश करनी है, पर जो हम आप मेहनत कट्ठे हुए तो फिर पंजाब हंजूगा तो डुबजूगा। याद रखे वड वडेरे गुरु पीर थानू कद माफ नहीं करे कि तुम वड वडेरे की पग रोड़ती। इस करके मेरी बेनती है जल्दी करा चले हो जे, कोई गल नहीं, लख मार लड़के, दो लख मार लड़के, तीन लख मार लड़के, जिथे जिथे खून डुलूगा उथे उथे दस शहीद होर पैदा हो, जिथे जिथे पंजाब के बच्चों का, पंजाब के बजुर्गों का, पंजाब की जवानी का खून डुलूगा उथे गुरु साहब अपने अकाल पुरख महाराज की दरगाह चो ऐसे जरनैल भेजणगे कि पंजाब की धरती नूं आके शांति मिलूगी। सो मेरी बेनती है तगड़े रहो, गल इन्नी करा करो जिन्नी पुगजे, लड़कारा उन्ना मना करो जिन्ने जोगा बंदा होवे। रब करे मेरी भी उम्र थोनू लग जाए, सारे जहान की थोड़ी उम्र लग जाए। तुसी किसान लोग थोड़े चरणों में प्रणाम है,
मैं तुम्हें जोगा ही है थोड़े सारे के पैरी हथ ला के इजाजत मांगता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नसीब चमकदे अते किस्मत बदलदे ते नहीं लगदी, मेरे किते नूं कोई कट नहीं सकदा, परेशानी जिवें मन चाहे प्यार लई माता पिता नूं मनाउणा, सौतन दुश्मन दा खात्मा, कोर्ट कचहरी नौकरी कारोबार विच रुकावट, विदेश विच पक्का होणा, बच्चियां दा कहने तों बाहर होणा, वशीकरण करवाओ जां तड़वाओ, लाटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स, अज ही संपर्क करो प्रवीण ज्योतिषी 94 616।